सभी को मेरा नमस्कार आज हम पढ़ेंगे एन सी आर टी क्लास फिफ्थ ईवीएस चैप्टर नंबर थर्टीन ए शेल्टर सो हाई सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन रूट फ्रॉम मुंबई टू लेह आपने चैप्टर में पढ़ा है कि गौरव जानी जो व्यक्ति है वो अपनी बाइक लोनर के साथ मुंबई से लेह जा रहा है और आपसे पूछा गया है कि वो किन किन स्टेट से पास हुआ है सो फर्स्ट मुंबई मुंबई इज़ अ कैपिटल ऑफ स्टेट महाराष्ट्र महाराष्ट्र देन गुजरात जयपुर राजस्थान नेक्स्ट स्टेट इज़ न्यू डेली एंड नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश एंड लास्ट वो पहुंच गया है लेह जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में तो हम पढ़ेंगे अब मनाली के बारे में आपने देखा कि वो हिमाचल प्रदेश में पहुंच गया था मनाली मनाली एक शहर है जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट में है इट वाज एन एंशियंट ट्रेड रूट टू लद्दाख मनाली पहले के समय से बहुत फेमस है एंशियंट टाइम से बहुत फेमस है ट्रेड के लिए व्यापार के लिए लद्दाख में जाते हैं मनाली से होकर है ना मनाली के थ्रू इट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस To Indian culture, the climate in Manali is pro predominantly cold during winters and moderately cool during summer. तो आपको बताती हूँ मैं कि मनाली का जो क्लाइमेट है विंटर के समय बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और समर में मॉडरेटली मीन्स नॉर्मल ठंडा होता है क्योंकि मनाली एक हिल स्टेशन है रोहतांग पास इज़ वन ऑफ द प्लेस ऑफ़ इंटरेस्ट इन मनली तो मनली एक टूरिस्ट प्लेस पर भी है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं और रोहतांग पास एक बहुत ही फेमस जगह है मनाली इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश नियर द नॉर्दर्न एंड ऑफ कुल्लू वैली और ये कुल्लू वैली के नॉर्दर्न एंड पर बसा हुआ है ओके okay, नेक्स्ट <coughs> रोहतांग पास इन मनाली तो आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं पूरा स्नो से कवर्ड एरिया है और इस एरिया को बोलते हैं रोहतांग पास मनाली से लेह जाने Now there is some information related to टू Leh. was capital of Himalayan kingdom of Ladakh लद्दाख लेह जो है वो Himalayan kingdom Ladakh की capital हुआ करती थी now it is a district इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब ये एक ज़िला है आपको आपने जीके में पढ़ा होगा करेंट अफेयर में पढ़ा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वो अब दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है जम्मू एंड कश जम्मू एंड लद्दाख और अब लद्दाख की कैपिटल है लेह इट इज़ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर्स ये इतनी ऊँचाई पर इतने मीटर की ऊँचाई पर स्थित है सी लेवल से लेह हैज़ कोल्ड एरिड क्लाइमेट विद लॉन्ग हार्श विंटर्स फ्राम ऑक्टूबर टू अर्ली मार्च यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ड्राई क्लाइमेट है और यहाँ के में जो विंटर सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है फ्राम ऑक्टूबर टू मार्च ड्यू टू हायर एल्टीट्यूड्स लैटिट्यूड्स एंड माउंटेंस सम पार्ट्स ऑफ ले आर कवर्ड बाई कोल्ड डेजर्ट और यहाँ पर इतना लंबा विंटर सीजन होने की वजह से यहाँ पर कुछ एरियाज़ को क्या बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं वो पूरी तरीके से पूरी साल स्नो से कवर्ड रहते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोल्ड डेज़र्ट एंड कोल्ड डेजर्ट्स अकर इन टेम्परेट रीजन्स एट हायर लैटिट्यूड्स दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू देअर सेपरेशन मेनली ड्यू टू ह्यूज माउंटेन फ्राम नियरेस्ट अवेलेबल सोर्स ऑफ मॉइस्चर ये थोड़ा सा मॉइस्चर से अलग एरिया है माउंटेन्स पर भी मॉइस्चर है लेक है लेकिन ये उन जगह से अलग एरिया है इसलिए उसको डेजर्ट बोला गया है एग्जाम्पल लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड इन अंटार्कटिका और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा एरिया है अंटार्कटिक है ए टिपिकल लेह हाउस आप यहाँ पर देख सकते हैं लेह में कैसे हाउसेस होते हैं ये स्टोन से बने हुए हैं एक के ऊपर एक अरेंज किया हुआ है और इनको मड से या फिर स्लाइम से कवर करके ऐसे हाउसेस को बनाया जाता है मेड अप ऑफ स्टोन वॉल्स कोटेड विद थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम फ्लैट एंड स्ट्रांग रूफ्स अप ऑफ थिक ट्री ट्रांग्स और मोटी मोटी लकड़ियों से रूफ को बनाया जाता है लेट इस क्लाइम्ब हायर लेट इस मूव टूवर्ड्स रॉकी प्लेन्स ऑफ चंगथ इट इज़ एट दाइट ऑफ फाइव थाउजेंड मीटर्स ये जो जगह है चांग थांग ये लेह से भी ऊँचाई पर स्थित है चंग्पा ट्राइब्स आर द ओनली पीपल लिविंग इन दिस प्लेस और यहाँ पर सिर्फ चंगपा ट्राइब्स के ही लोग यहाँ पर रहते हैं दे आर ओनली फाइव थाउजेंड पीपल इन चंगथांग ऑलवेज मूव विद दियर गोट्स एंड शीप और इनके पास गोट्स एंड शीप होती हैं। चंकपा ट्राइब्स ऑन मूव आप देखिए इनके कोई भी स्टेबल घर नहीं होते ये हमेशा मूव करते रहते हैं जहाँ पर भी इनको रिसोर्सेज होते हैं जीने के लिए वहाँ पर ये अपना टाइम बिताते हैं और उसके बाद ये दूसरी जगह के लिए मूव कर जाते हैं अपनी गोट और शीप के साथ रिबो टेंट ऑफ चंग पास दीज टेंट्स आर मेड अप ऑफ याक हेयर वूवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिचेस टूगैदर और ये याक के बालों को बुन कर बनाई जाती हैं सिल कर बनाई जाती हैं दीज स्ट्रिप्स प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम आइसी स्ट्रोंग बेंड्स और ये टेंट इतने ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं और आइस की ठंडी ठंडे वेदर से लोगों को बचाते हैं अनलाइक यूजल टेंट्स दे आर बिग इनफ फ्रॉम इनसाइड टू स्टैंड स्ट्रेट और ये बाकी टेंट की अपेक्षा बड़े भी होते हैं कि इसमें लोग खड़े भी हो सकते हैं अंदर नेक्स्ट हैडिंग इज लाइवलीहुड ऑफ चंग पास द शीप इज देअर ओनली ट्रेजर इट इज फ्रॉम विच दे गेट मिल्क मीट स्किन फॉर टेंट एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स तो इनका जो लाइवलीहुड है इनका जो जीवन यापन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है शीप जिनसे ये मिल्क लेते हैं मीट लेते हैं स्किन अपने टेंट के लिए स्किन भी इन्हीं से मिलती है और वूल जिससे ये कोट एंड स्वेटर्स को बनाते हैं दे ग्रेज देयर शीप एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट दे हैव मोर एंड सॉफ्ट हेयर और फर और ये अपनी शीप को ग्रेजिंग के लिए चराने के लिए ठंडी जगह पर लेकर जाते हैं जिससे कि उनका जो वूल है उनकी जो फ़र है वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो फ्राम दीज स्पेशल गोड्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग वर्ल्ड फेमस पशमीना वूल और इन्हीं स्पेशल गोड्स से वो बनाते हैं जो कि दुनिया भर में फेमस है क्या पशमीना वूल पास शीप ग्रेजिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर फील्ड जहां पर चंगपा की जो शीप है वो चर रही हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया गया है पश्मीना शॉल जिनका बूल कहाँ से लेते हैं इन्हीं शीप से लेते हैं नेक्स्ट पिक्चर जर्नी थ्रू लेक सिटी श्रीनगर यहाँ पर श्रीनगर में ऐसे बोट हाउसेस हैं जो कि फ्लोट करते हैं श्रीनगर द समर कैपिटल ऑफ इंडियन कश्मीर ये समर में कैपिटल होती है कश्मीर की श्रीनगर इट इज़ सिचुएटेड इन कश्मीर वैली एंड लाइज ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर और कश्मीर वैली में ये स्थित है कश्मीर श्रीनगर और किसके किनारे पर है कौन सी रिवर झेलम रिवर के किनारे पर स्थित है ये शहर श्रीनगर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ़ द इंडस रिवर और जो झेलम रिवर है वो ट्रिब्यूटरी रिवर है किसी इंडस रिवर की द सिटी इज नोन फॉर इट्स लेक्स एंड हाउस बोट्स और श्रीनगर अपने लेक्स के लिए और हाउस बोट्स के लिए फेमस है इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर ट्रेडिशनल कश्मीरी हैंडक्राफ्ट एंड ड्राई फ्रूट्स एंड द सिटी हैज़ वॉर्म समर्स फ्राम जून टू अगस्त एंड विंटर्स फ्राम दिसंबर टू फेबररी दिस इज दिक्चर ऑफ ओल्ड श्रीनगर सेंट्रल श्रीनगर ब्रिज आप यहां पर ब्रिज को देख सकते हैं जो की झेलम रिवर के ऊपर बनाया गया है थैंक यू